पहले से प्लान करके नहीं रखा था, और जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने जितने बड़े बड़े ऑफिसर घरों से मैं कल निकलने की कोशिश ही नहीं करते, और इस चीज को कैसे कवर कप किया जाए, किस तरीके से टेस्टिंग की जाए और लोगों को किस तरीके से राहत दी जाए उनके पास उसका तरीका है। और जो डॉक्टर्स वगैरह लगे थे और जो पैरामेडिकल का स्टाफ है हम उनको सलूट करते हैं, मगर जिन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिन लोगों ने इसको कवर अप करना था, प्लानिंग करनी थी, वो तो टोटली फेल हो गए। और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से अगर फेल हो जाएगी, आम लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकेगी, मरने पे छोड़ देगी, तो कैसे चलेगा? घर का एक आदमी अगर चला जाए, उस घर की जिम्मेदारी किन लोगों पे? उस घर का खर्चा कैसे चलेगा? गवर्नमेंट ने जितने लोग मर गए हैं अभी तक उनके लिए क्या पैकेज दिया? कई परिवार ऐसे हैं जो खाली सिंगल फैमिली बेड बैठ थे, उनके लिए क्या किया है सरकार ने? कोई पैकेज की घोषणा की? उसके साथ ही जो हम सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, ऑटो वाले हैं, रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, उनके लिए क्या किया? ट्रांसपोर्ट तो आज जीरो हो गया, उनके सिरों पे तो पिछले दो दो साल की तो किस्तें आ गई बैठ गई, वो तो दब गए हैं। अगर सरकार इस वक्त उनका साथ नहीं देगी, बैंक उनके घरों में आकर कुड़िया कर देंगे। ऑटो वाला है वो बेचारा कैसे चलाएगा सिस्टम? हम ये कहते हैं कि उनके लिए पैकेज किया जाए, और जो रेडी फड़ी ऑटो वाले हैं उनके लिए कुछ 4,000-5,000 रुपए का एलजी साहब कोई ऐसा सिस्टम कर दे कि उनका जो बेरोजगारी में घर बैठे हैं तो वो चलाए। हम तो कहते हैं आप 10 दिन के लिए लॉकडाउन पक्का लगा दीजिए, मगर इसके साथ इन गरीब लोगों का भी कुछ सोच लीजिए जिनके घर में राशन पानी पहुंचता रहे। ये दो बातें थी। मिडिलमैन आज तो पीस के रह गया, बिजनेसमैन का जो है, शहर के जितने बिजनेसमैन है, बड़े बड़े छोटे छोटे, उनके लिए पिछले साल से क्या किया? उनकी तो दुकानें सिस्टम तो बंद ही है, मुलाजिम को तो तनख्वाह देनी है, बिजली का सिस्टम देना है, हर एक चीज देनी है। तो हर बार इनकम टैक्स जीएसटी पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, उस घरानों के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। बाहर इतने कुछ हो रहा है, अगर इतना कुछ गवर्नमेंट दे रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दे सकते? आप होटल इंडस्ट्री लगा लीजिए, आप टूरिज्म इंडस्ट्री लगाए, बैंकेट हॉल इंडस्ट्री लगा लीजिए, पिछले दो साल से ठप पड़ी है, उनके मुलाजम उनके लोग कहां जाएंगे? उनका अपना खर्चा चलाना मुश्किल होगा, कैसे चलाएंगे वो? आपने तो देखा ही होगा। तो हम ये कहते हैं कि उन लोगों के लिए भी कुछ पैकेज का सिस्टम होना चाहिए, और वो भी कुछ उनको रिलीफ मिले। ये नहीं है कि गवर्नमेंट के घर में टैक्स जाता रहे, जीएसटी जाता रहे तो गवर्नमेंट खुश है, मगर कभी कभी गवर्नमेंट का भी फर्ज बन जाता है कि कम से कम उन लोगों के लिए आज कुछ करना चाहिए। आगे भी सिस्टम चलाना है, कैसे चलाएंगे? इनकी मैं बात कर रहे थे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आज टोटल फेल होकर रह गई, उनकी वजह से ना कहीं सैनिटेशन हो पा रही है, ना कहीं फॉग जा रही है। जो मेयर साहब हैं आए दिन यहां फोटो खींचते हैं, वहां पर है, मैं वो कर रहा हूं। मैंने उनको कभी फॉग का सिस्टम चलाते नहीं देखा, कभी सैनिटेशन करवाते नहीं देखा। आप कितनी बार मंडी में गए हैं? आप बस स्टैंड कितनी बार गए हैं? आपने कितनी बार वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर सैनिटेशन करवाया है, मुझे बताइए। आज जो कोविड का इतना बड़ा सिस्टम खराब हो गया है, आप इस सबको रोकने का एक ही चीज है, सफाई अभियान साथ में चलेगा, साथ में डॉक्टर्स का सिस्टम चलेगा, तभी जाके इस कोविड पे हम लगाम लगा सकते हैं। तो ये हमारा कहना है, और एक्स्ट्रा मर्निंग भी कर दे। आज लोग मनमानी मर्जी अपनी रेट वसूल रहे हैं लोगों से, चाहे वो करियाने वाले हो, प्रिंट रेट लगाए किसी चीज पे लगा दो, प्रिंट रेट दे रहे हैं। चाहे वो दवाई की दुकान पे चले जाए, अगर इस पे 50 रुपए लेके आए तो वो 50 ही ले रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उसकी कीमत आप जब उनका कागज देखते हैं तो 20 रुपए है, 10 रुपए है। आप 10 की जगह 15 ला सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, आप 50 नहीं ले सकते। तो इन चीजों पे कौन लगाम लगाएगा? होटल प्लॉट जिन डिपार्टमेंट हमारा घर पे बैठा है, जिनका काम है चेकिंग करना, हर चीज पे चेकिंग करना, वो घर पे बैठे हैं। जो हमारे एडवाइजर साहब हैं उनको टेंशन किसी चीज की नहीं है। इस चीज पर इस वक्त लगाम लगाने की जरूरत है, काले बाजारी जो चल रही है, लगाम लगाने की जरूरत है।